गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए सफदरजंग टोम और आज हम लोग यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानेंगे और यहाँ की ब्यूटी को देखेंगे। सो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग और यहाँ का नियरेस्ट बस स्टॉप एसजे मदरसा। सो अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन से आते हो तो बस आप लोग सीधे सीधे आके आपको सामने दिख जाएगा और यहाँ से बस स्टॉप से ज़्यादा नियरेस्ट पड़ता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी बस से ज़्यादा आना तो आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगा। तो चलो अंदर चल के घूमते हैं। तो ये है एंट्रेंस, तो अभी हम एंटर करते हैं और यहाँ का प्यारा प्यारा व्यू देखते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकट अवेलेबल है। हम तो वैसे ऑनलाइन ले रहे हैं और आपको भी दिखा देते हैं हम लोग कैसे ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता है ऑनलाइन लेने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने स्कैन किया। इस तरीके से अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सो यहाँ पे हमारा टिकट आ गया है, ये देख सकते हो आप, ये रही हमारी टिकट। तो चलो अंदर चलते हैं आप टिकट लेके। एक और चीज़ से खूबसूरत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे साइड साइड में ट्रीज लगे हैं ना यहाँ पे, और बीच में ये टोम है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये यहाँ पे आप प्री वेडिंग शूटिंग के लिए आ सकते हो, फोटोशूट वगैरह प्री वेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है। ये देखो, हम अभी आपको अच्छे से घुमाते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही हमको ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो चलो पूरी तरीके से घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। लोग वहाँ से एंटर करके जैसे इस साइड आओगे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको दिख जाएगी। मेरा भाई आया, उसको इग्नोर करना कोई नहीं। और यहाँ पे भी है कुछ, और यहाँ पे मानचित्र बनाया सफदरजंग टोम का। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना जब आना। तो गाइज हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अभी बैठे हम एक पेड़ के नीचे। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने भी आ सकते हो। और बात की जाए यहाँ की टाइमिंग की, तो यहाँ की टाइमिंग है 7 AM to 5 PM। तो ये टोम बनाया है नवाब शुजा उद दौला ने 1754 में, और यहाँ पे उनकी बेगम की कब्र भी है। तो हम वहाँ पे भी ऊपर चलेंगे देखने, अगर हमको दिखा तो आपको भी दिखाएंगे। तो हम लोग जिस टाइम में आए वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, एकदम बेस्ट मौसम है आने का यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी आए हैं घूमने के लिए, मतलब ये एकदम पीसफुल एकदम शांति जगह है। यहाँ पे आके दिल खुश हो गया हमारा, हम देखो हम दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठे। चलो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर से पूरा व्यू देखते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं ऊपर, ऊपर से आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा और आप देख ही सकते हो कितनी धुआं बह रही है, तो मेरी चुन्नी भी उड़ रही है। वैसे यहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे आके। और मैं आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगी यहाँ पे, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आना, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। वोरा कब्र, और अभी हम लोग जा रहे हैं कब्र देखने। ये देखो अंदर का कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा एंटर करते ही, और वो रही कब्र। और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है।
देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप बाहर की चीज़ें लेकर आते हो तो डस्टबिन है यहाँ पे सामने, आपको देखो डस्टबिन में दिख रहा होगा, आप डस्टबिन फेंक देना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लीन प्लेस है। हमें ये प्लेस इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे आके पता चल रहा है कि पेड़ों को कितनी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि पेड़ की वजह से ही सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा इन्वायरमेंट हो गया है, पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ते थे, मतलब ये पेड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसे पेड़ उगाने चाहिए, बहुत अच्छी बात। आपको यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, वो देखो वो रहा वॉशरूम। सो गाइज, ये था हमारा सफदरजंग का ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।